नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, राजनांदगांव का रुख कर लेते हैं। अंकुश शर्मा हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, राजनांदगांव की बात करें तो देखिए मतदान शुरू हो गया है, वहां कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, अपडेट जरा जल्दी से पहुंचाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसमें से 10 में शुरू हो चुकी है और 10 में शुरू होना बाकी है। 10 अति संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और जो केवल संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं इस वक्त कवर्धा जिले के एक मतदान केंद्र में मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आदर्श संगवारी मतदान केंद्र है और यहां पर सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव शहर से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन मतदान वो कवर्धा में करते हुए नजर आएंगे और कवर्धा पहुंचकर मतदान करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कवर्धा के, विजय शर्मा, वो भी इसी मतदान केंद्र में आएंगे और वह अपना वोट डालते हुए नजर आएंगे। कवर्धा शहर से कांग्रेस पार्टी के तरफ से जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया है वो सरकार में वरिष्ठ मंत्री वन मंत्री मोहम्मद अकबर यहां पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इस तरीके के संगवारी बूथ जो बनाए गए हैं उसकी तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से चुनाव का त्यौहार यहां पर मनाने की कोशिश है और चुनाव त्यौहार के लिए यहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं। संगवारी मतदान केंद्र में किस तरीके से ये विशेष तैयारियां की गई हैं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन है वो यहां पर चस्पा की गई है और यहां पर यह सब बताने की कोशिश गई है कि मतदान के दौरान आपको क्या करना है और मतदान के दौरान आपको क्या नहीं करना है, इसके अलावा कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करना है, कौन कौन सी चीजों का प्रयोग नहीं करना है, ये तमाम चीजें जो है ये आदर्श मतदान केंद्र में बताने की कोशिश की गई है। दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं वो भी यहां पर दर्शाई गई हैं। रैंप पर चलने वाली जो व्हील चेयर है उसकी व्यवस्था यहां पर की गई है। सांकेतिक भाषा जो है वो भी यहां पर उसकी सुविधा रहेगी। ब्रेल वाली ईवीएम, जो ब्रेल लिपि वाली जो ईवीएम है वो भी यहां पर रहेगी। ये उन लोगों के लिए है जो दृष्टिहीन है। मतदाता मितान यानी मतदान करने के लिए जो बुजुर्ग आएंगे या जो निशक्त लोग हैं उनके लिए मितान यानी जो सहयोगी है वो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। व्हील चेयर की तस्वीर आप देख सकते हैं और यहां पर रेड कारपेट जो है चारों तरफ बिछाया गया है और रेड कारपेट पर ही चलकर मतदाता कहीं ना कहीं वोट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये चुनई चिरई का एक स्लोगन जो है वो यहां पर लगाया गया है और चुनई चिरई मतलब चुनाव वाली जो चिड़िया है वो आपका यहां पर सहयोग करते हुए नजर आएगी। कबीरधाम की ये तस्वीरें हैं। यहां पर एक टेंट लगाया गया है, टेंट में सहायता के लिए यहां पर कोई अधिकारी जो है यहां पर मौजूद रहेगा। प्राथमिक चिकित्सा की यहां पर व्यवस्था की गई है। प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था इसलिए की गई कि अचानक से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो वो उसकी व्यवस्था जो है यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा ये अलग अलग जो बूथ बनाए गए हैं इसमें मतदान केंद्र में भीतर जाने का रास्ता जो है वो इसमें बताया गया है और इस बार जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से जो विशेष व्यवस्था की गई है वो है सीसीटीवी कैमरा। ये सीसीटीवी कैमरा प्रदेश के हर एक मतदान केंद्र में लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से राजधानी स्तर पर निगरानी रखी जाएगी व पूरी मॉनिटरिंग होगी। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो तो ये तमाम चीजें हैं वो कैमरे में कैद हो जाएंगी। ये सीसीटीवी कैमरा जो है निरंतर रूप से चालू रहेगा, इसके दिशा निर्देश जो है वो भी दे दिए गए हैं। अब इस मतदान केंद्र की अगर हम बात करें तो यहां पर जो 8 बजे से मतदान शुरू होगा उसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो अभी चल रही हैं। मतदान अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे, पीठासीन अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे और ईवीएम जो है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यहां से वोटिंग का बस समय इंतजार किया जा रहा है, महज 40 मिनट बाद यहां पर वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी क्योंकि तमाम तैयारियों को जो है मुकम्मल कर लिया गया है और इन तमाम तैयारियों की तस्वीरें जो है वो हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, अलग अलग वार्ड के हिसाब से, वोटर लिस्ट के हिसाब से यहां पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ लोकतंत्र के त्योहार की खूबसूरत तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही हैं। पीने की पानी की व्यवस्था जो है वो की कर दी गई है। यहाँ पर पानी की पीने की व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था न हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक बूथ में
ये सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, सेल्फी मतलब आप मतदान करिए, यहाँ से अपना सेल्फी खींचिए और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपलोड करके ये बताने की कोशिश कीजिए कि चुनाव का जो त्योहार है, लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें आप शरीक हुए हैं और आप लोगों को भी जागरूक करिए कि किस तरीके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो आपको करना है। हर एक बूथ में जो है सुरक्षा के लिहाज से तमाम कड़े कदम उठाए गए हैं, पुलिस की तैनाती है, सेंट्रल फोर्सेस के जवानों की तैनाती है। तो ये तैनाती इसलिए की गई है कि किसी भी प्रकार की ना तो मतदाता को परेशानी हो, ना ही मतदान दल को किसी प्रकार की परेशानी हो। ये तमाम तैयारियां निश्चित तौर पर तमाम तैयारियां अंकुश यहाँ पर की गई है। तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वेदिका में रुक करना चाहूंगी, वेद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद कवर्धा।